करनाल जिला सचिवालय के पास ही स्थित सुपर मॉल में 3 स्पा और मसाज सेंटरों पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। वहीं डीएसपी मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई के दौरान करीब 12 लड़कियां और 4 लड़के गिरफ्त में लिए गए हैं, जिन्हें पुलिस बस में बैठाकर अपने साथ ले गई। यही नहीं, टीम को यहां कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी मिली, तो वहीं रिकॉर्ड भी कब्जे में लिए गए हैं। टीम ने एक साथ तीनों सेंटरों पर छापेमारी की, जिसे देख वहां मौजूद लड़कियों व स्टाफ सदस्यों में हड़कंप मच गया। पुलिस की इस कार्रवाई से मॉल में मौजूद बड़ी संख्या में लोग भी जमा हो गए। पुलिस गिरफ्त में लिए लड़के लड़कियों को बस में बैठाकर ले गई है। हालांकि अभी तक पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया है कि कितने लड़के और लड़कियों को गिरफ्त में लिया गया है और क्या क्या सामान बरामद हुआ है। पुलिस की रेड देखी है, बस खड़ी है, सारी पुलिस की जो फोर्स है सारी आई हुई है। उन्होंने अपना पकड़ा है, अच्छा काम किया। पहले भी ऐसी कार्रवाई होती है, पकड़ते हैं, मगर उसके बावजूद ये काम चलते रहते हैं। तो इसके ऊपर अच्छी तरह शिकंजा डालना चाहिए। पुलिस की रेगुलर रेड होनी चाहिए, जितने भी माल बने हुए हैं या और कहीं और भी, पुलिस को सारा पता ही है क्योंकि काफी समय से लगे हुए हैं वो। अच्छी कार्रवाई है उनकी, इस तरह की कार्रवाई रेगुलर चलते रहना चाहिए। 15 फोर्टनाइटली, मंथली इस तरह की रेड चलती रहे ताकि ये अलर्ट हो जाए, यहाँ ना आए ये लोग। स्पा सेंटर में रेड किए हैं, स्पा सेंटर जैसे सुन रहा हूँ मैं, स्पा सेंटर में ही है। जैसे लड़के अंदर पकड़े हुए हैं, चेहरे ढके हुए हैं, पाए चेहरे क्यों ढके हुए हैं, कसूर कर रहे हैं वो लोग। और वो लोग अगली जनरेशन का नुकसान कर रहे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, शहर का भविष्य है, उनका नुकसान कर रहे हैं। परेशान होते थे मैं, अब बाकी तो हम तो यहाँ पे अभी आए हैं, विजिट कर रहे हैं, लेकिन फैमिली के साथ तो नहीं आ सकते थे। बिल्कुल नहीं आ सकते, ऑफ कोर्स ये न्यूसेंस है, दिस इज अ न्यूसेंस एंड शुड बी कर्व्ड। There is a lot of negative publicity. सर, ऐसा क्या हो गया कि अकेले सुपर मॉल में 10-10 मसाज पार्लर्स की जरूरत पड़ गई? अब इसके लिए तो आई बिलीव दैट जो मॉल की अथॉरिटीज हैं उनको ये बैन करना चाहिए। पुलिस भी काफी दिनों बाद जागी है, देख रहा है दुरुस्त है। वहीं पुलिस की इस कार्यवाही से शहर में स्थित अन्य स्पा व मसाज सेंटरों पर भी हड़कंप सा मच गया और आनन फानन में इन्हें बंद कर संचालक फरार हो गए। बता दें कि पुलिस के पास लगातार शिकायतें जा रही थी कि स्पा व मसाज सेंटरों की आड़ में अवैध गतिविधि चलाई जा रही है। हालांकि पुलिस दो बार पहले भी यहां छापेमारी कर चुकी थी, लेकिन दोनों बार खाली हाथ लौटी थी। अब फिर पुलिस की ये कार्यवाही चर्चा का विषय बन गई है। की आर्ट में गलत गतिविधियां चलाने बारे बार बार शिकायत आ रही थी, इस बारे में रेड की गई है, तो अभी आगामी कार्रवाई बारे थोड़ी देर में बता सकते हैं। अभी हिरासत में लिए गए, अभी ली गई है हिरासत में, बाकी पूछताछ करके और फिर पूरे मामले को। क्या शिकायत क्या मिली थी? मसाज पार्लर की आर्ट में वैश्यावृत्ति चलाने बारे शिकायत प्राप्त हुई। अभी गिनती का नहीं पता है, अभी इनको सिविल लाइन थाने लेके जा रहे हैं। सर, कोई ग्राहक वगैरह बनाकर भेजा गया था आज भी? जी जी। तो कितने ग्राहक थे? अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं, अभी एक बार आपत्तिजनक हालत पाई गई है वहाँ पर सारा कुछ। फिलहाल गिरफ्त में ली गई लड़कियों और लड़कों से पूछताछ की जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।